झारखंड में अंकिता की हत्या को लेकर मचे सियासी घमासान के बीच बीजेपी नेताओं की टीम आज दुमका में अंकिता के परिवार से मुलाकात करेंगे और आर्थिक मदद भी देने जा रहे हैं। साथ ही राष्ट्रीय महिला आयोग की जांच टीम भी आज दुमका का दौरा कर परिजनों से मुलाकात करेगी। आज दिल्ली बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा और झारखंड के गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे दुमका जा रहे हैं। बीजेपी ने आरोप लगाया कि हेमंत सोरेन सरकार ने अंकिता का ठीक से इलाज नहीं करवाया, जिसकी वजह से उसे बचाया नहीं जा सका। हालांकि हेमंत सरकार ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है। दुमका के अंकिता मर्डर केस को लेकर एक ओर पुलिस का एक्शन तेज हुआ है तो दूसरी ओर झारखंड का सियासी पारा और गर्म हो गया है। आज बीजेपी नेता कपिल मिश्रा और सांसद निशिकांत दुबे समेत कई नेता दुमका पहुंचेंगे और अंकिता के परिवार की आर्थिक मदद करेंगे। कपिल मिश्रा ने एक लिंक जारी कर अंकिता के परिजनों की मदद के लिए 25 लाख रुपए जुटाए हैं। कपिल मिश्रा ने ट्विटर पर इसकी जानकारी दी। कपिल मिश्रा ने लिखा, आंखें नम है। दुनिया भर से हजारों लोगों ने पिछले केवल 20 घंटों में अंकिता के परिवार के लिए 25 लाख रुपए भेजे हैं। हम अंकिता के परिवार से मिलेंगे, तब तक ये लिंक खुला है। अंकिता के जघन्य हत्याकांड को लेकर बीजेपी के नेता हेमंत सरकार पर लगातार हमलावर हैं। वो हेमंत सरकार पर मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति करने के साथ अंकिता के इलाज में भारी लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि हेमंत सोरेन सरकार अगर संवेदनशील होती तो अंकिता को एयरलिफ्ट करके कहीं अच्छी जगह इलाज करा सकती थी, जिससे उसकी जान बच सकती थी। दुमका में पेट्रोल जिसके ऊपर जला दिया, 25-30 घंटे उनको यो ही आपने लाइलाज छोड़ दिया। अगर समय रहते उनके इलाज होता तो मैं समझता हूँ अंकिता बच जाती, लेकिन इलाज नहीं हुआ। भाई दुमका में 23 तारीख को सवेरे हॉस्पिटल जाती है, हॉस्पिटल में डॉक्टर बताते हैं सदर हॉस्पिटल में यहाँ उसकी इलाज नहीं है, इसको अन्यत्र बेहतर इलाज कराया जाए। बाप गरीब है, पैसे नहीं है, दिन भर व्यवस्था कर रहे हैं। भाई प्रशासन क्या चुप रही थी? सरकार चुप थे। मुख्यमंत्री लतराटू डैम में नौकायन कर रहे थे, सिटी बजा रहे थे। भाई ये होता है संवेदना। उधर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता बीजेपी के आरोपों को सिरे से खारिज कर रहे हैं। बन्ना गुप्ता का कहना है कि सरकार ने रिम्स के डॉक्टरों से बात की थी, लेकिन उनका कहना था कि जब तक अंकिता की कंडीशन स्टेबल नहीं होती तब तक बाहर भेजना संभव नहीं है। डॉक्टर के परामर्श पर ही जब डॉक्टर कहता है कि स्टेबल हो गया तभी किसी पेशेंट को लिया जा सकता है, और वो भी जब एयरलिफ्ट होता है तो एक दूसरे अस्पताल के साथ दोनों डॉक्टर का कोऑर्डिनेशन होता है और फिर वो एक टीम भी आती है। तो ये जब तक, मैं तो चिकित्सक नहीं हूँ ना, मैं इस विषय को क्या जानता हूँ या माननीय मुख्यमंत्री क्या जानते हैं। चिकित्सकों के परामर्श पर ही एयरलिफ्टिंग की जा सकती है, ऐसे नहीं किया जा सकता एयरलिफ्टिंग। तो स्टेबल नहीं थी इसलिए उसको नहीं ले जाया गया। ये कहा जा रहा है सर कि अगर जिस तरह से अंकिता बात कर रही थी हॉस्पिटल में तो वो स्टेबल थी, तो फिर अचानक ऐसा कैसे हो गया? इसका मतलब इलाज में कोई चूक नहीं? नहीं, इलाज में नहीं। आप बर्न का मामला दूसरा होता है। बर्न में जो पेशेंट होते हैं वो सामान्य दिखते हैं, लेकिन उनका सबसे पहले फ्लूइड की कमी होने लगती है, फिर बर्न में जो है इन्फेक्शन होने लगता है, और तीसरा जो है लंग्स और किडनी इफेक्टेड हो जाते हैं, तो मल्टी ऑर्गन फेल हो जाते हैं। अंकिता हत्याकांड को लेकर दुमका के विधायक और सीएम हेमंत सोरेन के भाई बसंत सोरेन के एक बयान पर भी विवाद हो गया है। बीजेपी ने बसंत सोरेन के बयान का ऑडियो जारी किया, जिसमें वो अंकिता को आग लगाकर मारने वाले आरोपी शाहरुख के साथ प्रेम प्रसंग होने की बात कह रहे हैं। लड़कियों पे अत्याचार जो है लगातार देखे जा रहे हैं आपकी सरकार। देखिए प्रेम प्रसंग का मामला है, इसमें व्यक्तिगत या सामाजिक तौर पे इसको कुछ कहा नहीं जा सकता। हमारा आपका प्रेम है, हमारा आपका रिएक्शन है। इसमें घटना को अंजाम देने का कोई समाज तो नहीं करेगा नहीं ना, या कोई पार्टी तो करता नहीं है जी। ये तो हमारे आपका विषय है, हम आपस में बैठे हुए मारपीट कर ले, अब इसमें क्या करेगा कोई विधायक और कोई पार्टी? बिल्कुल बिल्कुल, इसको किसी चीज से जोड़ना गलत। बयान पर सवाल उठने पर बसंत सोरेन सफाई देने सामने आए, लेकिन खुद तथ्यों की जांच करने तक मामले में माफी मांगने से साफ इनकार कर दिया। माफी नहीं मांग रहा हूँ, माफी नहीं मांग रहा। अगर मेरे तथ्य में गलत होगा तो मैं माफी मांगूंगा, ठीक है? पूरे तथ्य में मेरा गलत होगा मैं पूरा रिव्यू करूंगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।